कॉटन, ये स्टॉक मुझे याद आता है आपने कई बार नेशनल लेवल पे इसको रिकमेंड किया और कई दिनों तक इस स्टॉक ने पेशेंस को टेस्ट किया और चला नहीं था, और जब चला तो एक दमदार तेजी हो गई, अभी 172-173 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भी एक नाम में कॉटन है बट ये टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, ये इंजिन बनाने वाली कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंजिन बनाती तो है ही है, इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट, फिर आपके माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इन सब के लिए भी इंजिन बनाती है, और बहुत ही दमदार क्लाइंट लिस्ट है टाटा मोटर्स, M&M, पियाजियो, और ये कंपनी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सीरियस प्लेयर है। कंपनी ने कुछ साल पहले एक एम्पियर व्हीकल्स नाम की कंपनी को अक्वायर किया था और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेस में फोरे किया, फिर कुछ क्वार्टर्स या कुछ महीनों पहले एक बेस्ट वे एजेंसीज करके नोएडा की थ्री व्हीलर मेकर है उसको भी अक्वायर किया, और ये जो थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है इनका आजकल कार्गो डिलीवरी के लिए जो ई कॉमर्स कंपनीज है वहां पे काफी बड़ा डिमांड है, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। और दूसरा, आज एक खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है आदित्य ठाकरे जी, वो आज महाराष्ट्र में ईवी पॉलिसी अनाउंस करने वाले हैं। मुझे लगता है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये जितने ईवी मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे ग्रीव्स कॉटन की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, उसके अलावा भी JBM ऑटो है, फिर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, या ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज है, उनमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए कल के बाजार में, तो उस लिहाज से भी अच्छा लगता है। और बाकी अनिल जी, एक्सेलेंट इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नॉर्मल ईयर में ROE 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, एक जीरो डेट कंपनी है, और इस कंपनी का तो ऐसा है कि कुछ साल पहले कंपनी के ने बाईबैक ही 175 रुपए पे किया हुआ है इस स्टॉक, इस कंपनी में, वो भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट 240 करोड़ का बाईबैक था जहां तक मुझे याद है, और उसी लेवल पे ये स्टॉक आज साल दो साल के बाद वापिस आया है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 185-190 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 168 रुपए।